नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयोध्या में सरयू घाट पर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि रामनगरी अयोध्या में पहली बार बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बुधवार को एक साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को आरोप लगाया कि एसआईटी द्वारा किए गए खुलासे के आलोक में उन्होंने लोकसभा में लखीमपुर खीरी कांड के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। दोपहर 2 बजे तक लोकसभा के स्थगित होने के बाद राहुल ने कहा, वो हमें बोलने नहीं दे रहे, इसलिए सदन को बाधित किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट के मामले में लोकसभा में नहीं बोलने देने पर राहुल गांधी के आरोप पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है और न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर सदन में चर्चा नहीं होती है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का 7 दिन के इलाज के बाद निधन हो गया है। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सीडीएस विपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जो कि हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कर्नाटक राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के रूप में माने जाने वाले विधान परिषद के चुनावों में बीजेपी एक साधारण बहुमत हासिल करने में विफल रही। आपको बता दें कि पार्टी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस को भी इतनी ही संख्या में सीटों पर जीत हासिल हुई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 13 दिसंबर को अपनी पत्नी राजेश्वरी उर्फ राशेल के साथ पटना पहुंच गए और फिलहाल अपनी मां राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर रहे हैं। वहीं यादव परिवार की नई बहू भी परिवार के रंग में घुलती मिलती नजर आई। आरजेडी द्वारा जारी किए गए वीडियो में राशेल राबड़ी देवी के सरकारी आवास में मौजूद गौशाला में भ्रमण करती नजर आई। बिहार के गोपालगंज में उस वक्त हंगामा हो गया जब नशे में धुत एक पुलिसकर्मी एक शराबी को पकड़ने उसके घर पहुंचा और वहां मौजूद महिलाओं से भिड़ने लगा, जिसके बाद नगर के लोगों ने जमकर हंगामा काटा और आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। यूपी के बिजनौर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां एक युवक ने लॉटरी की भविष्यवाणी गलत साबित होने पर एक बाबा की पीट पीट कर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान मोहम्मद जिशान के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी जिशान को बबा की गलत भविष्यवाणी के चलते 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। भारतीय वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली पहली बार बुधवार को मीडिया के सामने आए। साउथ अफ्रीका दौरे से पहले कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें उन्होंने कप्तानी से हटाए जाने को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले से ही तय हो गया था और मुझसे कुछ पूछा नहीं गया। फिल्म निर्माता करण जौहर तब से चर्चाओं में हैं जब से उनकी पार्टी में शामिल सेलेब्स में से 4 सेलेब्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए फिल्म निर्माता करण जौहर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से 2 बार कोरोना टेस्ट करवाया है और दोनों बार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फटाफट खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।